हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम शैक्षिक मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 5 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 4 लेक्चर्स किए हुए हैं। आई होप आप सभी ने अटेंड किया होगा। तो चलिए फिर हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ्री क्लास का लाभ ले सकें। साथ में जो भी वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को यूट्यूब में करवाया जा रहा है, यदि आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो आप हमारी ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती व्याख्याता PDF कोर्स में एनरोलमेंट करवा सकते हैं। और इसकी फ़ीस मात्र 249 रखी गई है, जिसके अंतर्गत आपको जितने भी लेक्चर्स, यानी कि आपका जो ये जो 30 नंबर का जो आने वाला है व्याख्याता के अंतर्गत लेक्चरर में जो 30 नंबर का जितना भी पोर्शन है तो आपको आप YouTube में करवाया जाएगा, और डेली जो लेक्चर यहाँ पे डलेगा और उसकी PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये रही थोड़ी जानकारी, आशा है आप लोगों के लाभ की ही होगी। साथ में यदि आप सहायक शिक्षक हेतु कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का ओरिजिनल प्राइस है 1999, लेकिन इस प्राइस में अभी 50% की छूट चल रही है। स्पेशल ऑफर है, सीमित ऑफर है, लिमिटेड ऑफर है, और जिसके अंतर्गत आपको ये सहायक शिक्षक का कोर्स जो है मात्र 999 में उपलब्ध हो जाएगा। तो यदि आप इच्छुक हैं सहायक शिक्षक के लिए अपनी तैयारी करने के लिए तो आप इस कोर्स में एनरोलमेंट करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोर्स ज्वाइनिंग में कोई भी आपको समस्या, तकलीफ, परेशानी आ रही है तो ज़रूर आप इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके किसी भी प्रकार की सहायता ले सकते हैं। तो ये थोड़ी जानकारी रही है। आ जाते हैं हम अपने लेक्चर पर, जहाँ पर हम आज क्या देखने जा रहे हैं। तो हम देखने जा रहे हैं आत्मनिरीक्षण विधि, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। ये हम क्यों इंट्रोस्पेक्टिव मेथड देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, उसमें हमने क्या देखा था, तो उसमें हमने स्टार्ट किया था शैक्षिक मनोविज्ञान की विधियाँ, एजुकेशनल साइकोलॉजी के मेथड्स हम देख रहे थे। जब हम मेथड्स देख रहे थे तो उसमें हमने देखा सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। जो सब्जेक्टिव था वो कौन कौन सा था, इंट्रोस्पेक्टिव था और एनेक्डोटल मेथड था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, आत्मनिरीक्षण विधि। आई होप आप सभी ने लेक्चर 4 देखा हो और उसके बाद ही लेक्चर 5 को देख रहे हैं। जिस क्रम में जो भी लेक्चर डल रहे हैं उसी क्रम में देखिए, तभी जाकर के आपको एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग होगी। अदरवाइज बीच से उठा उठा के देखेंगे कि आज चलो इसको देख लेते हैं, कल उसको देख लेते हैं, तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको एक लाइन से सब कुछ पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो हम आ जाते हैं इंट्रोस्पेक्टिव विधि में, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड आत्मनिरीक्षण विधि में। आखिरकार ये होता क्या है, तो इसमें क्या बताया गया है, लेकिन मैं आप लोगों को पहले यहाँ पे अर्थ समझा दूंगी। आत्मनिरीक्षण अर्थ क्या है, बताने की आवश्यकता है? जी नहीं, बिल्कुल आवश्यकता नहीं, आप लोगों को भी बताएं। आत्मनिरीक्षण मतलब स्वयं का निरीक्षण करना, हम स्वयं का निरीक्षण करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, स्वयं को देख रहे हैं। तो क्या बताया गया है, द ऑब्जर्वेशन ऑफ इट्स ओन एक्शन बाई द माइंड इज कॉल्ड वॉट, इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन मेथड। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं के क्रियाओं का निरीक्षण करना क्या कहलाता है, आत्मनिरीक्षण कहलाता है। स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण कर रहे हैं हम, ठीक है, बाय माइंड, मस्तिष्क के द्वारा। ठीक, फिर उसके बाद में एक एक करके इसके अंतर्गत आत्मनिरीक्षण विधि है, जिसके अंतर्गत हम अब देखते हैं इंट्रोडक्शन, आत्मनिरीक्षण का परिचय, आखिरकार है क्या ये विधि। ठीक है, तो आत्मनिरीक्षण विधि मनोविज्ञान की परंपरागत विधि है। क्या है ये, ट्रेडिशनल मेथड है साइकोलॉजी का, और इसका नाम इंग्लैंड के विख्यात दार्शनिक लॉक से संबंध है, लॉक से संबंधित है, जिसने इसकी परिभाषा इन शब्दों में की थी। किन शब्दों में की थी, तो मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण। अभी जस्ट हमने देखा ना, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण ही क्या कहलाता है, आत्मनिरीक्षण कहलाता है। तो ये कहाँ से आया, क्योंकि इसको जो है इंग्लिश फिलोसोफर लॉक ने इसको डिफाइन किया है।
ठीक लॉक ने क्या बोला है, द ऑब्जर्वेशन ऑफ इट्स ओन एक्शन बाय द ब्रेन। याद रखेंगे आप लोग, यदि एग्जाम में आता है तो आप लोगों को भूलना नहीं है। ठीक आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया। पूर्व काल के मनोवैज्ञानिक अपनी मानसिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसी विधि पर निर्भर थे। वे इसका प्रयोग अपने अनुभवों का पुनः स्मरण और भावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए करते थे। वे सुख और दुख, क्रोध और शांति, घृणा और प्रेम के समय अपनी भावनाओं और मानसिक दशाओं का निरीक्षण करके उनका वर्णन करते थे। क्या बताया गया है कि जो पहले के साइकोलॉजिस्ट थे, जो मनोवैज्ञानिक थे, वो क्या करते थे, इसी विधि का प्रयोग करते थे। क्यों करते थे, तो अपनी मानसिक क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वे इसका प्रयोग अपने अनुभवों का पुनः स्मरण, अच्छा हमें ना ये अनुभव हुए हैं, हमारी ये भावनाएं थी उस समय, तो उसका मूल्यांकन करने के लिए वो आत्मनिरीक्षण विधि का प्रयोग कर लिए। जैसे कि बहुत सारे भाव उत्पन्न होते हैं, सुख दुख, क्रोध शांति, घृणा प्रेम, तो बहुत सारी ये जो भावनाएं हैं एवं मानसिक दशाएं हैं, तो इनका निरीक्षण करते थे। इन सभी भावनाओं एवं दशाओं का निरीक्षण इसी विधि के माध्यम से वे करते थे और उसको वर्णित कर देते थे। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइकोलॉजिस्ट ऑफ अर्लियर टाइम्स डिपेंडेड ऑन दिस मेथड to get knowledge of their mental action and reactions. They used it to recall their experiences and evaluate what? And evaluate feelings. He used to observe and describe his feelings and mental states in times of happiness and sorrow, anger and peace, hatred and love. क्या बताया गया? वो निरीक्षण कर रहे, ऑब्जर्व कर रहे और उसको वर्णित कर रहे। क्या वर्णित कर रहे? कि जब मैं खुश होता हूँ तो ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे खुशी देती है, जब मैं दुखी हूँ तो ऐसा क्या है जो मुझे दुखी कर देता है, ऐसा क्या है जो मुझे क्रोधित करता है, ऐसा क्या है जो मुझे शांति देता है, ऐसा क्या है जो मुझमें घृणा पैदा कर देता है, और ऐसा क्या है जो मुझमें प्रेम जगा देता है। तो ये चीज को वो निरीक्षण करते थे, उसका ऑब्जर्व करते थे और उसके बाद बताते थे। यानी कि उन्होंने क्या किया, आत्मनिरीक्षण किया, उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट किया, अपने आप को ही जाना उन्होंने। किसने? तो पहले के साइकोलॉजिस्ट, पूर्व काल के मनोवैज्ञानिक लोग ऐसा करते थे। ठीक, तो ये तो परिचय हो गया, बिल्कुल आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा आशा है। अब हम आ जाते हैं आखिरकार अर्थ क्या होता है, क्या जो लॉक ने कहा वही है? लॉक ने तो अपने शब्दों में परिभाषित कर दिया, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, जो कि हम बोलचाल की भाषा में समझ लें। तो अर्थ होता है जैसे कि इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मनिरीक्षण, तो इसका अर्थ क्या हुआ, अपने आप देखना या आत्मदर्शन। टू लुक विद इन, टू लुक विद इन, इंट्रोस्पेक्शन मीन्स वॉट, इंट्रोस्पेक्शन मीन्स टू लुक विद इन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अपने आप का निरीक्षण कर रहे हैं हम, सेल्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। टू लुक विद इन, अंतर्दर्शन कर रहे हैं हम, अंतर्दर्शन अपने आप को जानना। हम लोगों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है, ये है वो है, हमें बोलेंगे दूसरों के बारे में बताने के लिए बहुत, हम बता देंगे ये अच्छा है बुरा है, लेकिन क्या हम अपने बारे में जानते हैं? हम नहीं जान पाते कौन सी चीज़ें हमें सुखी करती हैं, कौन सी चीज़ें हमें दुखी कर देती हैं, ऐसा क्या है जो हमें क्रोधी बना देता है, और ऐसा क्या है जो हमें शांत कर देता है, हम नहीं जानते। और जब हम ये जो नहीं जानते, इसका मतलब हम क्या नहीं करते, हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं, और यही अर्थ है। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। आइए आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या करते हुए बीएन झा ने लिखा है, क्या लिखा है, कि आत्मनिरीक्षण अपने स्वयं के मन का निरीक्षण करने की प्रक्रिया है। बीएन झा ने क्या कहा, बीएन झा ने कहा, इंट्रोस्पेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग वंस ओन माइंड, अपने मन को जानना है हमें। बीएन झा ने क्या कहा, मन को जानना है। बीएन झा, एन मन आ रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, मन तो बीएन, ठीक है, केवल रिलेट करना है, अदरवाइज तो आप लोग होशियार हो, आप लोगों को सब चीजें याद भी हो जाएगी। तो क्या है, बीएन झा ने क्या कहा है, जब हम अपनी मन को जान लेते हैं, हम स्वयं के मन का यदि निरीक्षण कर रहे हैं, तो वही क्या कहलाएगा, इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। इट इज अ काइंड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, इट इज अ काइंड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन इन विच वी ऑब्जर्व, एनालाइज एंड डिस्क्राइब अवर ओन फीलिंग्स एंड ऑल काइंड ऑफ रिएक्शंस दैट अराइज इन अवर माइंड ड्यूरिंग अ मेंटल एक्टिविटी।
यह एक प्रकार का आत्मनिरीक्षण है जिसमें हम किसी मानसिक क्रिया के समय अपने मन में उत्पन्न होने वाले स्वयं की भावनाओं, मन में उत्पन्न हो रही है, क्या उत्पन्न हो रही है, अब हमारी भावना है तो स्वयं की भावनाओं और सब प्रकार की प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण, विश्लेषण और वर्णन करते हैं। आत्मनिरीक्षण में हमारे अंदर में जो भावनाएं उत्पन्न हो रही, अभी आप लोग सेशन देख रहे हैं, अब आपके मन में जो भी भावनाएं उत्पन्न हो रही डिफाइन कर दीजिए, जान लीजिए उसको, जब जान जाएंगे तो उसको ये बोल देना इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, समझ में आया। आगे देखते हैं, फिर ये हमने जान लिया अर्थ क्या होता है, इसके कुछ हम गुण जानते हैं कि आखिर आत्मनिरीक्षण के गुण क्या है, व्हाट आर द वर्च्यूज ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, तो मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि करती है। इसका क्या अर्थ हुआ कि इंट्रोस्पेक्शन जो है ना, इट इंक्रीजेस द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। कैसे वृद्धि हुआ आइए देख लेते हैं। तो डगलस और हॉलैंड के अनुसार मनोविज्ञान ने इस विधि का प्रयोग करके हमारे मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि की है। हम मनोविज्ञान को जाने कैसे जाने, चलो ऐसा करें हम ना इंट्रोस्पेक्शन मेथड को यूज कर लेते हैं। हम देख क्या रहे हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान की विधियां क्या देख रहे हैं, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो उस विधियों के अंतर्गत ही तो देख रहे हैं। तो इसका मतलब कि उसके बारे में हमें कौन बताया, इंट्रोस्पेक्शन मेथड बताया, यानी कि जो टॉपिक है वही चीज तो लिखा हुआ है। डगलस और होलैंड क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं साइकोलॉजी हैज इंक्रीज्ड अवर नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी बाय यूजिंग दिस मेथड। हमें साइकोलॉजी के बारे में पता चला, कैसे पता चला, इस विधि का प्रयोग करके, इस मेथड को यूज करके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, हॉलैंड और डगलस और हॉलैंड क्या बोल रहे हैं, बहुत ही सिंपल है कि इसके बारे में हमें कैसे पता चला, इन्होंने ही बता दिया। बस आपके बारे में किसी को जानना है, आपका नाम क्या है बता दो, अपना नाम हो गया, डिफाइन कर दिए, यानी कि इंक्रीज इन नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी हैज इंक्रीज्ड अवर नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी बाय यूजिंग दिस मेथड। हमें उसका नाम पता चला, कैसे पता चला, उन्होंने ही तो बताया, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, अन्य विधियों में सहायक, अन्य विधियों में भी सहायक है, हमें उसका भी नाम पता चला, कैसे पता चला, अरे उसी ने तो बताया था, किसने, जिसने अपना नाम बताया तो उसी ने दूसरे का भी नाम बता दिया, बस वही चीज लिखा है। क्या लिखा है, हेल्पफुल इन अदर मेथड्स, अकॉर्डिंग टू डगलस एंड होलैंड दिस मेथड हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग द फैक्ट्स रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑब्टेन्ड बाय अदर मेथड्स। यह विधि अन्य विधियों द्वारा प्राप्त किए गए तथ्यों, नियम और सिद्धांतों की व्याख्या करने में भी सहायता देती है, ठीक है। उसका नाम क्या है, उसका नाम ये है एक्स वाई जेड, जो भी है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम भी बता, उसका भी नाम, सबका नाम पता चल गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब कि रिलेट करके पढ़ना है, अदरवाइज तो सब कुछ तो याद करना ही होता है, लेकिन यदि कोई चीज हमें किसी ट्रिक से याद हो जाए तो कोई दिक्कत है क्या, जी नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, यंत्र व सामग्री की आवश्यकता, क्या इसके लिए आपको यंत्र एवं सामग्री की आवश्यकता है, आपकी भावनाएं हैं, बताओ किस यंत्र से जान रहे हो, किसी से जान रहे हो क्या, नहीं जाने हो, कैसे जान गए, मेरी भावनाएं, मैं जान गया, मैं जान गई, तो किसी इक्विपमेंट उपकरण की आवश्यकता हमें नहीं पड़ी, इक्विपमेंट एंड मटेरियल रिक्वायर्ड। तो रॉस का क्या कहना है, दिस मेथड इज नॉट एक्सपेंसिव बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेशल इक्विपमेंट और मटेरियल। रॉस के अनुसार यह विधि खर्चीली नहीं है, खर्चीली नहीं है, आपने वो सुना होगा तुरा मन दर्पण कहलाए, है ना, हमारा मन क्या है, दर्पण है, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तो बस रॉस का यही कहना है, देखे और दिखाए। तो यह विधि खर्चीली नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें किसी विशेष यंत्र या सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती, मन को देखना है, अपने आप को देखना है आपको, तो सामग्री का प्रयोग करके देखोगे, जी नहीं, स्वयं जान रहे हैं हम हमारे अंदर में भाव क्या उत्पन्न हो रहे हैं। प्रयोगशाला की आवश्यकता पड़ती है क्या, जी नहीं, किसी प्रयोगशाला में आप, किसी प्रयोगशाला में बैठे हैं क्या, जी नहीं, आप मोबाइल देख रहे हैं, लेकिन अपने मन को जान रहे हैं क्या कि आपके मन में अभी कौन से भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, दिस मेथड इज वेरी सिंपल, व्हाई इट इज वेरी सिंपल, बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी लेबोरेटरी, एंड दैट्स व्हाई इन द वर्ड्स ऑफ रॉस द माइंड ऑफ साइकोलॉजिस्ट
is his own laboratory, and because it is always with him, he can observe at any time he pleases. तो रॉस के शब्दों में रॉस ने क्या कहा कि मनोवैज्ञानिकों का स्वयं का मस्तिष्क ही क्या होता है, मनोवैज्ञानिकों का स्वयं का मस्तिष्क ही उनकी प्रयोगशाला होती है, क्योंकि वह सदैव उसके साथ रहते हैं, इसलिए वह अपनी इच्छा अनुसार कभी भी निरीक्षण कर सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार हमारी इच्छा है, आज चलो हम जानते हैं कि हमारे मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं, चलो बैठते हैं। ऐसा ये क्या है, अलग से कहीं पे माइंड रख के आते हैं क्या हम कि माइंड चलो अब माइंड को उठाए फिर लगाएंगे अब चलो देखें, तो ऐसा तो नहीं है। क्या बताया गया, रॉस ने क्या बोला, ये जो मनोवैज्ञानिक होते हैं ना तो उनका मस्तिष्क ही उनकी प्रयोगशाला है। क्यों? क्योंकि इसका ये कभी भी प्रयोग कर लेते हैं अपनी इच्छा अनुसार और निरीक्षण कर लेते हैं इस विधि के अंतर्गत। समझ में आया आप लोगों को? आइए आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। ये तो हमने बहुत सारे गुण देख लिए, बहुत तारीफ हो गई, कुछ दोष भी देख लें। आइए देख लेते हैं, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड, आत्मनिरीक्षण विधि के दोष क्या है? तो वैज्ञानिकता का अभाव है, लैक ऑफ साइंस। याद करो कल के लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी को जानोगे कैसे, जब आप साइंटिफिक मेथड को यूज करोगे, जब आप साइंटिफिक मेथड को यूज करोगे। साइंटिफिक मेथड को क्यों यूज करना है, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी विज्ञान ही तो है, तो विज्ञान को जानने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है, तो वो वैज्ञानिक कहलाती है, वैज्ञानिक विधियां कहलाती है, कहलाती है क्या, बिल्कुल। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी तो खुद एक साइंस है, तो आपने उसको जानने के लिए इंट्रोस्पेक्शन मेथड को यूज कर रहे हो, आप आत्मनिरीक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन इसमें तो वैज्ञानिकता तो है ही नहीं कहीं पे। यह विधि वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि इस विधि द्वारा प्राप्त निष्कर्षों का किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा परीक्षण नहीं किया जा सकता। यह साइंटिफिक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम लैब जाते हैं, ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हम रीडिंग्स लेते हैं, ठीक है, हम ऑब्जर्व करते हैं, हम रीडिंग्स लेते हैं, फिर उसके बाद में जो भी हमारे वहाँ पे सर टीचर जो भी हैं तो हम उनको दिखाते हैं, अच्छा ये हमारी रीडिंग आई है, यानी कि दूसरा व्यक्ति भी देखा, तुम अपने फ्रेंड को भी दिखा रहे हो, देखो मेरा ना ये वाला ऐसा दिखाई दे रहा है, यानी कि बिल्कुल वो चीज़ दूसरे लोग देख पा रहे हैं, लेकिन इसमें तो कोई नहीं देख पाया। आपने बोला मैं बहुत खुश हूँ, क्या पता सामने आप बता बस रहे हो ना, आप बोल बहुत खुश हूँ, सामने वाला व्यक्ति तो वो नहीं जान रहा, आप तो दुखी दिख रहे हो, तो कैसे बोल रहे हो कि बहुत खुश हूँ, नहीं मैं अंदर ही अंदर खुश हूँ, बाहर में भले ही रो रहा हूँ, तो ये कौन सी खुशी है। तो दिस मेथड इज नॉट साइंटिफिक एज द कंक्लूजन ऑब्टेन बाय दिस मेथड कैन नॉट बी टेस्टेड बाय एनी अदर पर्सन। और टेस्ट कैसे करेंगे, जो दिखेगा ना, यहाँ पे तो दिखा ही नहीं, आपने तो खुद ही देख लिया, आपने तो खुद ही जाना, अच्छा मेरे मन में ना ये भाव उत्पन्न हुए थे, अच्छा ये भाव उत्पन्न हुए थे, पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि हमने तो नहीं जाना, हमने तो नहीं देखा, इसीलिए ये क्या है, लैक ऑफ साइंस है, ये इसकी कमी है, ठीक है, समझ में आया। फिर क्या है, डिविजन ऑफ अटेंशन, ध्यान का विभाजन, ध्यान का विभाजन कैसे हो रहा है, तो इस विधि का प्रयोग करते समय व्यक्ति का ध्यान विभाजित रहता है, क्योंकि एक ओर तो उसे मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन करना पड़ता है और दूसरी ओर आत्मनिरीक्षण करना पड़ता है। क्या बताया गया है, वाइल यूजिंग दिस मेथड द पर्सन्स अटेंशन रिमेन्स डिवाइडेड बिकॉज ऑन वन हैंड ही हैज टू स्टडी द मेंटल प्रोसेस एंड ऑन अदर हैंड ही हैज टू इंट्रोस्पेक्ट। क्या बताया गया है कि बट जाएगा हमारा दिमाग, हमारा ध्यान बट जाएगा, कैसे बट जाएगा, दुखी है सुखी है, क्रोध आया शांति का अनुभव कर रहे हैं, ये क्या है, इसका मतलब पहले तो ये जानोगे आप कि आप बहुत ही ज्यादा दुखी हो, अच्छा दुखी है, फिर निरीक्षण करोगे मुझे ऐसा क्या चीज है जो मुझे दुखी कर गया, पहले तो दुखी हो, यानी कि दिमाग दो में ऐसा, पहले तो ये पता करोगे, अच्छा गुस्सा आ रहा है मुझे, क्रोध क्रोध आया है ना, क्रोध आया गुस्सा आ रहा है, अच्छा फिर आप कारण देखो मुझे गुस्सा क्यों आया, समझ में आ रहे हो, तो ये क्या है, डिविजन ऑफ अटेंशन, यानी कि आपका दिमाग
जो आपका ध्यान है वो दो भागों में विभक्त हो रहा है, एक तो मेंटल प्रोसेस चल क्या रहा है अभी, अच्छा बहुत गुस्सा है, यानी कि जो गुस्सा हो तो ये सोचोगे क्या मैं बहुत गुस्सा हूँ, नहीं सोचोगे, सोचोगे क्या, बिल्कुल नहीं सोचोगे। तो इन सच सिचुएशन एज डगलस एंड हॉलैंड हैव रिटन, इट इज इम्पॉसिबल टू पे सफिशियंट अटेंशन टू टू थिंग्स एट वंस, सो इंट्रोस्पेक्शन एक्चुअली बिकम्स एन इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ये बहुत कठिन है कि एक समय में आप दो जगह ध्यान लगा दो, तो ऐसी दशा में जैसा कि डगलस और हॉलैंड ने लिखा है कि एक साथ दो बातों की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना असंभव है, और इसलिए आत्मनिरीक्षण वास्तव में परोक्ष निरीक्षण हो जाता है, परोक्ष इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, परोक्ष निरीक्षण है ये, ठीक। फिर उसके बाद अनसुटेबल फॉर एबनॉर्मल पर्सन एंड चिल्ड्रन, असामान्य व्यक्तियों व बालकों के लिए अनुपयुक्त है। क्यों अनुपयुक्त है? क्योंकि रॉस के अनुसार, रॉस बताते हैं कि यह विधि असामान्य व्यक्तियों, असभ्य मनुष्यों, मानसिक रोगियों, बालकों, पशुओं के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि उनमें मानसिक क्रियाओं या निरीक्षण करने की क्षमता नहीं होती। बच्चा रो रहा है, उसको बस चाहिए, हो गया, वो नहीं बोल, वो और कुछ नहीं सोच रहा है वहां पे, बस उसको चाहिए वो चीज, हो गया, ठीक है। पशु, पशु जैसे कि हम किसी की भी बात करें, किसी हम जैसे कि हम गाय की बात करें, कुत्ते बिल्ली किसी की बात करें, भौंक रहा है, बिल्ली म्याओं म्याओं, हो गया, उनको वो चीज चाहिए, अब वो निरीक्षण नहीं करेंगे कि अपना, जैसे मानसिक रोगी है वो निरीक्षण नहीं करने जाएंगे अपना, इसीलिए ये एबनॉर्मल पर्सन और चिल्ड्रन के लिए अनुपयुक्त है, अनसुटेबल है। क्या है? अनसुटेबल है। अकॉर्डिंग टू रॉस दिस मेथड इज अनसुटेबल फॉर एबनॉर्मल पर्सन, रूड ह्यूमन बींग्स, मेंटली इल चिल्ड्रन एंड एनिमल्स, बिकॉज दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू ऑब्जर्व मेंटल एक्टिविटीज, उनके पास ये क्षमता नहीं है कि वो मानसिक क्रियाओं का निरीक्षण कर सकें। माइंड बाय माइंड ऑब्जर्वेशन इम्पॉसिबल, क्या बताया गया है? मन द्वारा मन का निरीक्षण असंभव है। मन द्वारा मन का निरीक्षण, मन का ही निरीक्षण करना है, किसके द्वारा? मन के द्वारा ही करना है। तो इस विधि में मन के द्वारा मन का निरीक्षण किया जाता है, जो सर्वथा असंभव है, जो सर्वथा असंभव है, समझ में आ रहा है? तो रॉस के अनुसार क्या है कि दृष्टा और दृश्य दोनों एक ही होते हैं इसके अंतर्गत, दृष्टा और दृश्य, क्योंकि मन निरीक्षण का स्थान और साधन दोनों होता है। यानी कि कश्ती भी वही, किनारा भी वही, कश्ती भी वही है, किनारा भी वही है, दृष्टा भी वही है, दृश्य भी वही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रॉस द सीयर एंड द विजिबल R1, देख भी वही रहा है और जिसको देखना है, यानी कि दृश्य भी वही है। फॉर माइंड इज बोथ द प्लेस एंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये माइंड क्या है, मन क्या है, तो निरीक्षण का स्थान भी है और साधन भी है, यानी कि देखना किसको है, मन को देखना है, किससे देखना है, मन से ही देखना है, जो कि असंभव है, इम्पॉसिबल है, हो सकता है क्या? फिर क्या है, मानसिक प्रक्रियाओं का निरीक्षण असंभव है, इम्पॉसिबल टू ऑब्जर्व मेंटल प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू डगलस एंड हॉलैंड, चेंजेस इन मेंटल स्टेट्स और प्रोसेस अकर सो रैपिडली दैट इट इज ऑफन इम्पॉसिबल टू ऑब्जर्व देम। डगलस और हॉलैंड के अनुसार मानसिक दशाओं या प्रक्रियाओं में इतनी शीघ्रता से परिवर्तन होते हैं कि उनका निरीक्षण करना प्रायः असंभव हो जाता है। यानी कि इतनी शीघ्रता से परिवर्तन हो रहा है मानसिक दशाओं एवं प्रक्रियाओं में कि उनका निरीक्षण नहीं कर पाते हैं। क्या बताया गया है यहाँ पे? मस्तिष्क की वास्तविक दशा का ज्ञान असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल टू नो द रियल स्टेट ऑफ माइंड। बहुत ही ये क्या इम्पॉसिबल है, असंभव है कि मस्तिष्क की वास्तविक दशा का ज्ञान हो पाए। कैसे? इट इज इम्पॉसिबल टू गेट द नॉलेज ऑफ द रियल स्टेट ऑफ माइंड बाय दिस मेथड। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। लेट से हम मान करके चलते कि हमें ना गुस्सा आया, हमें गुस्सा आया, ठीक है। अब जब आप गुस्सा हो तो गुस्सा तो हो, लेकिन फिर तुरंत अरे मैं तो गुस्सा हो गया, मैं क्यों गुस्सा हो गया, ये चीज तो फिर मतलब कि गुस्सा तो शांत हो गया आपका, समझ में आया? गुस्सा हो जब निरीक्षण करने चले तो इसका मतलब तो शांत हो गया, शांत हो चुके हो आप। जब हम ये सोच रहे हैं कि अरे क्यों आया था, यानी कि वो पोजिशन तो शांत वाली स्थिति आ गई ना,
समझ रहे हो, आपको बातें समझ में आ रही कि ये रियल स्टेट ऑफ माइंड को जान पाना बहुत असंभव है। जैसे कि क्या लिखा है, इफ आई गेट एंग्री आई हैव इनफ मटेरियल टू डू साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ एंगर, बट एज सून एज आई ट्राई टू डू सो माई एंगर फॉल शॉर्ट एंड माई स्टफ रन्स अवे फ्रॉम मी। वेरी ब्यूटिफुल इट इज रिटन हियर कि इस विधि द्वारा मस्तिष्क की वास्तविक दशा का ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। उदाहरणार्थ यदि मुझे क्रोध आता है तो क्रोध का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने के लिए मेरे पास पर्याप्त सामग्री होती है कि क्यों आया, कैसे आया, क्या कारण थे। बिल्कुल, मैं तो जान सकती हूँ कि मुझे आखिर क्यों आया। लेकिन जैसे ही मैं ऐसा करने का प्रयास करता हूँ, मेरा क्रोध कम हो जाता है और मेरी सामग्री मुझसे दूर भाग जाती है। जब हमने जो स्थिति में जब गुस्सा है तो है, लेकिन जैसे ही तुरंत आपके मन में थॉट आया, अरे मैं गुस्सा क्यों हो गया था, तो यानी कि वो शांत वाली स्थिति आ चुकी है, यानी कि आपका अब आप कूल डाउन हो चुके हो, तभी तो सोचे हो ना, अदरवाइज गुस्सा हो तो नहीं सोच पाओगे। हम उस समय नहीं सोच पाते, इसीलिए बोला गया कि मस्तिष्क की वास्तविक दशा का ज्ञान असंभव है। ठीक है, और इस कठिनाई का अति सुंदर ढंग से वर्णन करते हुए जेम्स ने लिखा है, क्या लिखा है कि आत्मनिरीक्षण करने का प्रयास ऐसा है जैसे कि यह जानने के लिए अंधकार कैसा लगता है तो बहुत सी गैस एकदम जला देना। डिस्क्राइबिंग दिस डिफिकल्टी वेरी ब्यूटिफुली जेम्स हैज रिटर्न एन अटेम्प्ट टू इंट्रोस्पेक्ट इज लाइक बर्निंग अ लॉट ऑफ गैस एट वंस टू नो व्हाट डार्कनेस फील्स लाइक। अंधेरा देखना है तो एक साथ हमने क्या किया, एक साथ हमने सभी गैसें चला दी, यानी कि धुआं 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 कर दिया। अंधेरा है, अब उसको क्या देखना है, अंधेरा मतलब अंधेरा है। ठीक है, अंधेरा मतलब अंधेरा है, ये यानी कि दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा, अंधेरा है। ठीक है, तो इसमें ये है जो इंट्रोस्पेक्शन है, क्या बोलता है, तो हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अपने दोषों के कारण आत्मनिरीक्षण विधि का मनोवैज्ञानिक द्वारा परित्याग कर दिया गया है। क्या है कि इन कंक्लूजन वी कैन से दैट द इंट्रोस्पेक्शन मेथड हैज बीन अबैंडन्ड बाय साइकोलॉजिस्ट बिकॉज ऑफ इट्स फ्लॉज। क्योंकि इतने सारे दोष हैं, क्या दोष हैं इतने सारे, क्या ये पॉसिबल है जब आप गुस्सा हो, जब आप दुखी हो, तो उस समय तो तुरंत अरे मैं दुखी क्यों था, मैं क्यों हूँ, यानी कि अब वो पोजीशन नहीं रही, वो वाली स्थिति नहीं है। दुखी तो हो, ये तो पता है, क्रोध तो आया था, ये तो पता है आया था। जैसे आप तुरंत आपके मन में थॉट आया, क्यों आया था, कैसे आया था, क्या कारण थे, यानी कि अब वो पोजीशन नहीं रही जहाँ पे आप क्रोधी थे, क्रोध आया था आपको। ठीक है, तो इसीलिए इसमें इतने सारे दोष हैं कि इसको जो है मनोवैज्ञानिकों ने इसको क्या किया है, इसको अबैंडन कर दिया है, लीव कर दिया है, इसको छोड़ दिया है, परित्याग कर दिया है। और डगलस और हॉलैंड का मत है कि यद्यपि आत्मनिरीक्षण को किसी समय वैज्ञानिक विधि माना जाता था, किसी समय माना जाता था पहले, इसीलिए बोल दिया गया पहले, ठीक, पर आज इसे अपना अधिकांश इसने अपना अधिकांश सम्मान खो दिया है। अकॉर्डिंग टू डगलस एंड हॉलैंड, ऑल्दो इंट्रोस्पेक्शन मेथड वॉज वंस कंसिडर्ड अ साइंटिफिक मेथड, बट नाउ इट हैज लॉस्ट मच ऑफ इट्स प्रेस्टीज टुडे। अब नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, क्योंकि इसने इतनी सारी इसमें कमियां हैं कि पहले एक तो इसमें लैक ऑफ साइंस है, साइंस जैसा तो कुछ इसमें दिखा नहीं। अपने आप मन को देखना है, किसके कैसे देखोगे, मन से ही देखना है, मन को मन से देखना है। इसीलिए तो एजुकेशनल साइकोलॉजी को जानने की एक विधि क्या थी, तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड थी। लेकिन इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या है, इसको जो है इस मेथड को आत्मनिरीक्षण विधि का परित्याग कर दिया गया। क्यों, क्योंकि इसमें इतनी सारी कमियां, इतने सारे दोष हैं कि ये जो है किसी भी तरीके से हम ये नहीं बोल सकते कि ये एक वैज्ञानिक विधि है। और एजुकेशनल साइकोलॉजी को जानने के लिए हमें केवल और केवल साइंटिफिक मेथड ही चाहिए रहते हैं, यानी कि वैज्ञानिक विधि ही चाहिए रहती है। और ये जो कि हमने अपने कल के लेक्चर में देखा था, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ सीक्वेंस में देखना, सीक्वेंस में देखोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, इसी के साथ में आज की क्लास को हम एंड करेंगे, नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी, यदि आपको इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप हमारे मोबाइल ऐप
जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, साथ में कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में भी लिंक है, या फिर गूगल प्ले स्टोर से आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से जो है आप मोबाइल ऐप में जो है ये कोर्स जिसके जहाँ पे आप अंदर आएंगे तो क्या लिखा पाएंगे आप, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती व्याख्याता, ठीक। और प्राइस कितना रखा गया इसका, 249 इसका प्राइस है। तो यदि आप इच्छुक हैं इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, चूंकि प्रिंटेबल है आप प्रिंट भी करवा सकते हैं इसका, ठीक है, यानी कि आप डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं और फिर पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ में आज की क्लास को मैं एंड करूंगी। आशा है कि आप सभी को क्लास समझ में आई हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ज़रूर ले सकें। इसी के साथ मैं आज की क्लास को एंड करूँगी। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।